आप स्टूडेंट हो क्या? अरे भाई, आपको पता नहीं है कि आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या मिस कर रहे हो अपने स्टार्टअप के लिए। और आज हम इस वीडियो में एक स्टूडेंट बेस्ड स्टार्टअप्स की बात करेंगे जो रोंगटे तो खड़े करेगा ही, लेकिन उसके साथ अपना प्रॉफिट ग्राफ भी ऊपर करेगा। तो एज अ स्टूडेंट मुझे सिर्फ ये दो आइडिया सबसे बेस्ट लगते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने पहले आइडिया की तरफ। लेकिन आपको पता है, दूसरा वाला जो आइडिया है ना केवल आपके क्लासरूम के लिए बल्कि ऑफिस, कॉर्पोरेट, स्टार्टअप, फर्म्स, वेंचर्स सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसे मिस मत करना। खैर, नंबर वन पे आता है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। वैसे आप इसे अपने स्कूल में भी कर सकते हैं अगर आपका स्कूल अलाउ करे तो। कॉलेज स्टूडेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्लेसमेंट से जुड़ा एक आइडिया है और वो हमेशा आपके सामने रहता है। अपन कॉलेज में ध्यान ही नहीं दे पाते क्योंकि हमारा ध्यान ही कहीं और होता है। किन किन का रहता है कमेंट करके बता देना। खैर, वहाँ पर आप अगर प्रिंसिपल ऑफिस के पास जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक और दरवाजा देखने को मिलेगा जिसके बाहर लिखा होगा प्लेसमेंट सेल। शायद सबसे खतरनाक सेलों में से एक है ये, या आपका लाइफ बना देता है या बिगाड़ देता है, करियर को आसमान की ऊंचाइयों ले जाता है और एकदम से पलटने वाला भी चीजें कर देता है। लेकिन आपने कभी सोचा कि इसको हम थर्ड पार्टी अगर करें तो कैसा होगा? क्योंकि आप बहुत से स्टार्टअप ऐसे देख रहे हैं जो यार प्लेसमेंट देते रहते हैं और गारंटी भी देते हैं कि आपके जॉब लगने के बाद ही आपसे पैसे भी लेंगे, पहले नहीं लेंगे तो इतने श्योर कैसे होते हैं कि वो प्लेस करा ही देंगे? और आपको एक राज की बात बताऊं, असली बिजनेस तो यही है। एडटेक स्टार्टअप के अंदर प्लेसमेंट ही एक असली बिजनेस है और कंपनीज जो आपको अगर ऑफर कर रही है ऐसी चीजें तो वो कोर्स के ऊपर नहीं, वो उस प्लेसमेंट के ऊपर अपना बिजनेस चलाती, जो कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। क्योंकि इंडिया की लगभग 90% आबादी जो है टायर 2 और 3 सिटीज कॉलेजेस में ग्रेजुएट होती है और उसमें से मैक्सिमम अनएम्प्लॉयड ही बाहर निकलती है। तो जिसके पास एक टैलेंट है और अगर आप उसे कंपनी से मिलवा सकते हैं तो यह एज एन स्टूडेंट और एज एन स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर भी एक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा फील्ड माना जाता है, जहां पर आपको कमीशन, सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप और इवन एटेक कोर्सेज के इनकम सोर्स से आप अपनी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, इवन बड़े-बड़े कंपनीज भी अपग्रेड जैसी पहले कोर्सेज लॉन्च करती हैं, उसके बाद वो प्लेसमेंट लेके आती हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, असली बिजनेस तो प्लेसमेंट है भैया, क्योंकि वहाँ वो तगड़ा कमीशन चार्ज कर लेते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आइडिया क्या है यार, वो बता हमें सिर्फ। तो आइडिया सिर्फ ऐसा है, आपने लिंक्डइन यूज किया होगा, आप वहाँ पर जॉब सर्च करते हैं, जॉब पोस्ट करते हैं, हायर करते हैं। अब आधे लोग मन में सोच रहे होंगे ये तो हमें पता ही है, ये तो एक हायरिंग प्लेटफॉर्म हो गया। लेकिन क्या लिंक्डइन पे आपको कोई समझाता है कि भैया ऐसे इस कंपनी में जॉब लेना है आपको? वो नहीं कर पाता होगा। आप खुद ही जाते हैं, खुद ही पोस्ट करते हैं उनपे, खुद ही कमेंट करते हैं कि भैया जॉब दे दो, अप्लाई भी खुद ही करते हैं। हो जाता है तो ठीक, नहीं होता तो फिर दूसरी ट्राई कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो, ऐसा ही प्लेटफॉर्म जहाँ पर एक गाइडेंस आपको मिलती रहे कि कौन सी कंपनी आपके लिए आई है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन सी कंपनी आपके स्किल के हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि आप लिंक्डइन में जो स्किल सर्टिफिकेट लगाते हैं ना अपने, वो भी लोग आपकी ऐप में लगा के स्किल बेस्ड दिखा सकते हैं अपने गाइडर को, वो उस हिसाब से कंपनीज आपके पास लेके आएगा। कोई भी अननेसेसरी कंपनी आप अप्लाई करते हैं, आपको पता भी नहीं रहता है कंपनी का काम क्या है, लेकिन आपको बस जॉब चाहिए होती है ना, तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। लेकिन ये जो गाइडेंस एक एक्सपर्ट अगर आपको कमेंट करे या गाइड करे कि इस कोर्स में आप लो, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा लॉन्ग टर्म। वैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो गेट वर्क इंडिया में यही काम करता है सेम। हालांकि ये जो और भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे रिज्यूमे और पोर्टफोलियो बनाना किसी का और उसको बाद में कंपनीज के पास भेजना, कंपनीज उन्हें बताती हैं कि इस बंदे को चाहिए हमें और वो उस बंदे को इन्फॉर्म करती हैं और वो बंदा सीधा जाता है कंपनी के पास। तो आपको उस दरवाजे से डरने की अब जरूरत नहीं है जो आपके कॉलेज रूम के बाहर रहता है, जिसमें बड़े बड़े शब्दों में लिखा होता है भर्तीकरण अभियान कमरा, यानी कि प्लेसमेंट सेल। और इतना ही नहीं, जब आप अपना रेज्यूमे पोर्टफोलियो अपने एक्सपर्ट को शेयर करेंगे ना, जो आपको गाइड कर रहा है, वो जब आपको इन्फॉर्म करेगा आप जाएंगे ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए उस कंपनी में, तो वो एक अलग ही फील होता है भाई। अब आपको इसमें कैसे क्या करना पड़ेगा, आप इसमें पे पर स्टूडेंट मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर आप स्टूडेंट से फीस ले सकते हैं और वो कॉर्पोरेट रिलेशनशिप, जॉब एप्लीकेशन ट्रैकिंग, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टिंग और टारगेटेड फीड्स जॉब डिस्कवरी के लिए आपको फायदेमंद होगी एज एन फीस के तौर पे। और जो कंपनी से आप कमीशन लेंगे वो कैसे लेंगे, कंपनी लिस्ट कर सकती है अपने आपको और हायर कर सकती है टैलेंट अपने नजरिए से, ना कि आपके नजरिए से, आप सिर्फ उस टैलेंट को उस कंपनी से मिलवा रहे हैं, दैट्स ऑल। अगर आप मुझे कहें कि यहाँ पर हायर एक्ट भी तो यही काम करता है, जी हाँ, मैंने पहले ही वो बता दिया है कि आपकी स्किल अपलोडेड रहेंगी आपके रिज्यूमे के ऊपर और जो वो स्किल्स हैं वो टेस्ट हैं वो आप उसी ऐप के अंदर दे सकते हैं जिससे
रिक्रूटर को पता रहता रहेगा। हायरेक पे आप सीधे जाके जॉब मांग सकते हैं स्टार्टअप्स के अंदर। यहाँ पर मैं कॉर्पोरेट की भी बात लेके चल रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको एक एक्सपर्ट या एक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है और आप वो गाइडेंस दे सकते हैं टैलेंटेड स्टूडेंट्स को। खैर बढ़ता हूँ अपने टॉप टू की तरफ, यानी दूसरे आइडिया की तरफ, और ये आइडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ना केवल स्कूल कॉलेजेस कॉर्पोरेट स्टार्टअप्स बिजनेसेस सबके लिए, कल्चरल प्लेटफॉर्म फॉर रिमोट टीम्स। अब देखो वर्क फ्रॉम होम कब तक चलेगा पता नहीं, वर्क फ्रॉम होम के अलावा भी कंपनीज जो है वीकेंड्स में काम करवा ही लेती है, और इनफैक्ट ये तो ऐसा स्टार्टअप है जहाँ पर वर्क फ्रॉम होम में आपका सबसे ज्यादा बेनिफिशियल ये होगा और कंपनी के लिए कॉस्ट रिडक्शन। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑनलाइन वर्क में क्या हुआ था कि यार हमारा वर्किंग कल्चर ही खत्म हो गया था, और बहुत से लोगों का यही मानना था कि एक वर्किंग कल्चर जो है वो मिसिंग है ऑनलाइन वर्क के अंदर। तो लीजिए इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं, आइडिया ये है, आपने एक ऐप बनाई, आपके एम्प्लॉयज उस ऐप में साइन अप या लॉग इन कर चुके हैं, अपना काम बखूबी कर रहे हैं उस साइट के अंदर, और तभी मैनेजर को पता चलता है कि दिशा ने जो है काम बहुत बढ़िया किया है। वही नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके ऐप के ऊपर कि दिशा है वर्क एक्सेप्शनली वेल, आप उसे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे इंगेजमेंट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और उस वीक के एंड में या मंथ के एंड में जिसको सबसे ज्यादा अप्रेजल मिलेगा वो बनेगा एम्प्लॉय ऑफ द वीक। और यही हर कंपनी कॉर्पोरेट का यही फंडा रहता है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट सेटिस्फेक्शन बर्नआउट रिडक्शन, और एक वर्किंग कल्चर के सक्सेस होने का मंत्र ही यही है कि अप्रेजल जितना आप एम्प्लॉय को करोगे उतने ही ज्यादा आगे बढ़ोगे। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक कम्युनिकेशन फीडबैक सिस्टम की, जहाँ पर मैनेजर्स और उनकी टीम एक साथ एंगेज कर सकती है एक हैप्पी और फन वे में, जिससे मैनेजर्स जो है वो रियल टाइम एनालिटिक्स कर सकते हैं कौन क्या कर रहा है, वन टू वन डिस्कशन कर सकते हैं, जो एम्प्लॉयज है आपस में एक रूम बनाकर चैट कर सकते हैं इनफॉर्मली, और एक दूसरे को कूडोस दे सकते हैं एक्सीलेंस काम करने के लिए, जिससे एंड में आपको बड़ा आसानी हो जाएगी कि किसने सबसे ज्यादा काम किया, कौन अप्रेजल लेने के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट है। वो कैंडिडेट लीडर बोर्ड में ऊपर जाता जाएगा और आपके टास्क गोल जो है वो भी साइमल्टेनियसली आपको पता चलते रहेंगे कितना परसेंट कम्प्लीट हो चुके हैं। और एक और मस्त फीचर, जैसे ही लोग साइन इन या लॉग इन करेंगे तो उसमें एक मैसेज जरूर डाल देना कि हाउ आर यू फीलिंग टुडे। अगर मैक्सिमम एम्प्लॉयज ने हैप्पी ऑप्शन पे क्लिक किया है ना, तो भाई यही होता है एक वर्किंग कल्चर। और यहाँ पर हमने अभी पूरा प्रोसेस जो डिस्कशन किया उसे हम कहते हैं ऑनलाइन कल्चर बिल्डिंग प्लेटफॉर्म, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हडल अप है इंडिया के अंदर। तो ये ना केवल आपके कॉर्पोरेट बिजनेसेस की कॉस्ट घटाएगा क्योंकि सब लोग काम से घर पे ही रहेंगे, और बर्नआउट भी नहीं होगा एम्प्लॉयज को, और एक इमोशनल बॉन्ड और इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी वो कर सकेंगे आसानी से, जिससे कि मैंने कहा आपको एक कल्चर बनता है। लेकिन लेफ्ट वाली वीडियो में एक और कल्चर आपको बुला रहा है, पुकार रहा है टेक स्टार्टअप्स का, और राइट वाली वीडियो में जीरो इन्वेस्टमेंट से चालू होने वाले बिजनेस आइडियाज। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बिजी।